वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो इस प्लान की शुरुआत हुई थी छोटे से कटिंग से एक साल पहले कह सकते हैं, या डेढ़ साल हो गया है। गणपति विसर्जन का दिन था और उस दिन मैंने इसका हार्वेस्टिंग किया था, और इसके बाद एक साल और गया है तो ये डेढ़ साल का है और दो साल पूरे नहीं हुए हैं। तो ये कटिंग से किया हुआ था। कटिंग बहुत ही समझदारी से पसंद करना होता है। बहुत ही छोटा सा कटिंग है दोस्तों, ये लगभग ये केवल 3 इंच का हो सकता है, और अब ये सर्वाइव हो गया है। तो बढ़िया से ग्रोइंग कर रहा था, बट कुछ दिनों पहले मैं पानी देना भूल गया था, जगह चेंज की थी, यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, थोड़ा मेंटेनेंस, तो वहाँ मुझे थोड़ी पानी देने में दिक्कत हुई, तो कुछ पत्ते इस तरह पीले पड़ गए, थोड़ा डिहाइड्रेट हो गया था। तो पानी का ध्यान रखना है इस सीज़न में दोस्तों, पता नहीं चलता ठंड की वजह से, या अभी तो यहाँ कुछ अलग ही एनवायरनमेंट है, बादल आ चुके हैं, ठंड थोड़ी कम हुई है, तो एनवायरनमेंट के हिसाब से पानी वगैरह देना होता है। यहाँ तो बारिश के भी आसार है। तो चलिए कुछ वायरिंग कर लेंगे, और देखिए केवल एक चेंज पूरी बोनसाई का लुक बदल देता है। ये फुल कैस्केड की ओर इसको हम रख दें तो ये बहुत ही बढ़िया बैलेंस लुक मिल जाता है दोस्तों। तो इसीलिए वायरिंग से ये सब फर्क पड़ता है। अगर बिना वायरिंग के भी काम करना है तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं मिल रहे हैं तो, अगर मिल जाते हैं तो आप बढ़िया से प्लांट को अपना मनचाहा लुक दे सकते हैं। तो कुछ वायरिंग और ये बहुत ही अल्टीमेट लगेगा दोस्तों, और ये केवल 2 सालों के बीच में ही, अभी तो 2 साल पूरे नहीं हुए हैं। तो अगर कटिंग अच्छा सिलेक्शन होता है तो आप प्लांट में ये देखिए कितनी मज़ेदार उसकी मूवमेंट है। तो कटिंग बढ़िया होगा, मैच्योर होगा, तो ये अच्छे से हम जल्दी से प्लांट को बोनसाई में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो कटिंग कर लेने का जब भी मौका मिले, इस तरह ज़्यादा से मूवमेंट वाला, यानी हम लोग समझते हैं कि कटिंग यानी दातुन की जैसा एक पतला सा 1 साल मैच्योर कटिंग ले लेना चाहिए, बट ये कई साल मैच्योर कटिंग से भी हम प्रोपोगेशन कर सकते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ कितनी ब्रांचें थी, 3 ब्रांचों के साथ मैंने ये लगाया था, और अब ये इस तरह से लुक आ रहा है। उसको बहुत ही माइक्रो बोनसाई की तरह भी बना सकते हैं, बट ये धीरे धीरे मोटा हो रहा है, तो 100 इंच साइज़ में हम उसको ले लेंगे, क्योंकि उसके पत्ते थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए पत्तों के हिसाब से ही हमें इस प्लांट का जो डिज़ाइन होता है वो सोचना होता है। तो चलिए मैं कुछ वायरिंग कर लेता हूँ। तो वायरिंग के बाद दोस्तों रेडी है, उसका लुक ही चेंज हो जाता है दोस्तों। तो आप शुरुआत कर सकते हैं, ये कटिंग से हो जाता है, कौन सी भी साइज़ का कटिंग हो, बढ़िया से मूवमेंट वाला अगर कटिंग वाला प्लांट मिल जाता है तो आप लगा सकते हैं, ईजीली प्रोपोगेट हो जाता है मानसून के दौरान या गुजरते मानसून में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बने रहें हमारे साथ।